आफ्टरनून बच्चे, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब तो हम समझ चुके हैं आज के फर्स्ट वीडियो में। तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या रहते हैं, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ लेकिन और भी अच्छे से डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर जो भी बनाया जाता है तो किसके आधार पे होता है, कार्य के आधार पर। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, फंक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन द एक्टिविटी और जॉब आर ग्रुप्ड, एक्टिविटी या जॉब को ग्रुप किया जाता है किसको, कार्य को ध्यान में रखते हुए, जॉब को ध्यान में रखते हुए, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि जितने भी काम किससे रिलेटेड रहेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे, सेल्स से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे सेल्स डिपार्टमेंट डालेंगे, ठीक है, परचेज से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट डालेंगे। इस तरीके से ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे इसमें दिया है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही है, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्वालिटी को कंट्रोल करना, रिपेयर मेंटेन करना, ये सब ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है ना। तो ये सारे कार्य जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिए। अब जो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, कस्टमर की सर्विस देना, रिसर्च करना, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको किसके अंदर कर दिए, इस डिपार्टमेंट में डाल दिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। कैपिटल कितनी कैपिटल लगाएंगे, ऑनर्स कैपिटल, बोरोड कैपिटल कितना, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्लान करना, ठीक है। तो ये पैसे संबंधित है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। कच्चा माल खरीदना, मशीन खरीदना, रिकॉर्ड मेंटेन करना परचेज का, तो ये परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो जो जो एक्टिविटी जिस कार्य से संबंधित है उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो जो कार्य के आधार पर जो डिपार्टमेंटेशन होता है तो एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जो जिसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए आप डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज, एक और कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, कई बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, जैसा मैंने आपको बताया था एलजी, ठीक है। तो मोर देन वन प्रोडक्ट बनाती है एलजी के, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और भी चीज़ बनाती है, ठीक है। तो ये एक कंपनी है जो मतलब एक ही कंपनी है, ठीक है। तो वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कपड़े भी बनाती है, कॉस्मेटिक भी बनते हैं, मेडिसिन भी बनाती है, सोप्स भी बनाती है, ठीक है। चार चार चीज़ें बनाती है, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट को मतलब इन्हें डिपार्टमेंटेशन, इन्हें एक डिपार्टमेंट बना दें और उसके अंदर क्या कर दें, जिससे वर्क उससे रिलेटेड रहेगा, प्रोडक्ट के आधार पर अगर डिपार्टमेंट डिसाइड किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। आ गया। जैसे ये टेक्सटाइल से संबंधित जितने भी प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, ये सारे के सारे काम किससे रिलेटेड हैं, टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से संबंधित। तो ये क्या कर दी, इससे रिलेटेड है ना, तो इस डिपार्टमेंट में डाल दिया। प्रोडक्ट के आधार पर डिपार्टमेंटेशन हो तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन, उसके कच्चा माल खरीदना, उसके बारे में रिसर्च करना, मार्केटिंग एक्टिविटी करना, पैसा उसके लिए व्यवस्था करना, ये इससे कॉस्मेटिक से संबंधित है, तो उसको किस डिपार्टमेंट में डाल दिया, कॉस्मेटिक। और ये भी प्रोडक्ट परचेज मार्केटिंग, ये किससे, मेडिसिन से संबंधित है, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ये किससे संबंधित है, पूरा सोप से संबंधित है, सोप डिपार्टमेंट में डाल दिया। आ गया। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, सोप और टेक्सटाइल और मेडिसिन, कॉस्मेटिक, तो ये एक्टिविटी जो मेडिसिन से रिलेटेड है उसका ग्रुप कर देंगे मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और जो एक्टिविटी टेक्सटाइल से रिलेटेड है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, कॉस्मेटिक से रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में, और सोप से रिलेटेड एक्टिविटी सोप डिपार्टमेंट में। यानी वो एक्टिविटी अगर मतलब इन्हें ग्रुप्ड की जाए किसके आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर, तो वो क्या कहलाएगी, डिविजनल स्ट्रक्चर। थैंक यू।